सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आइए आज के इस कालखंड में हम कक्षा दूसरी के गणित विषय पर शिक्षण योजना के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश है कि हमको अपने पढ़ाए जाने वाले विषयों के प्रत्येक पाठ पर शिक्षण योजना तैयार करना है। साथियों, आज के इस कालखंड में मैं आप लोगों को उदाहरण के स्वरूप बताना चाहता हूं कि हमें किस तरह से शिक्षण योजना अर्थात टीचिंग प्लान तैयार करना है। आप शिक्षक साथियों में से बहुत सारे शिक्षक साथी मुझे कमेंट करके कहते हैं कि सर, आप अमुक क्लास की शिक्षण योजना तैयार करके बताइए। तो साथियों, धीरे धीरे करके आपको उदाहरण स्वरूप जो पाठ योजना है बताने का प्रयास करूंगा। तो आज के इस कालखंड में कक्षा दूसरी के विषय गणित के पाठ एक, क्या है लंबा, क्या है गोल, इस पाठ पर शिक्षण योजना लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ग्रीन बोर्ड पर मैंने जो शिक्षण योजना है उदाहरण स्वरूप लिखकर रखा है। और साथियों, जैसा कि इसके पूर्व के कालखंड में मैंने आपको बताया था कि हमको किसी भी शिक्षक साथी की शिक्षण योजना की कॉपी नहीं करना है, हमको अपने अनुसार जैसे कि जिस परिस्थिति में आपके विद्यार्थी हैं उस परिस्थिति के अनुसार आप उन विद्यार्थियों को देखते हुए अपनी शिक्षण योजना तैयार कीजिएगा। और शिक्षण योजना बनाने के लिए सहायक होगी आपकी टीचर हैंडबुक, है ना, लर्निंग आउटकम्स बेस्ड टीचर हैंडबुक। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह कक्षा एक से पांच तक के लिए टीचर हैंडबुक है विषय गणित के लिए। और साथियों, यहां से हमको काफी सहायता मिल सकती है, ठीक है, और आप अपने अनुसार बहुत ही बेहतरीन शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले शिक्षण योजना पर हम बात करें, उस पाठ पर एक नजर डाल लेते हैं, अर्थात गणित विषय के पाठ एक, क्या है लंबा, क्या है गोल। और साथियों, जब भी आप शिक्षण योजना तैयार करें तो सबसे पहले उस पाठ को आप भली भांति बहुत अच्छी तरीके से गहराई से आप उसको पढ़ ले, समझ ले, और उसके पश्चात ही आप क्या करें, ये जो टीचिंग प्लान है इसको तैयार करें। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम देख लेते हैं गणित के पाठ एक, क्या है लंबा, क्या है गोल को। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं साथियों, यह कक्षा दूसरी की गणित पुस्तक है, गणित का जादू, ठीक है। और इसमें पाठ एक आप देख पा रहे होंगे, क्या है लंबा, क्या है गोल, ठीक है। साथियों, इस पाठ को पूरा पढ़ने के पश्चात हम बड़े आसानी से और सहज तरीके से अपनी शिक्षण योजना तैयार कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और देखिएगा, यहाँ पर जो नौ बिंदु दिए गए हैं, इन नौ बिंदुओं में मैंने जो जानकारी लिखकर रखी है उसमें प्रत्येक बिंदु के बारे में आपको बताने का प्रयास करता हूं। अवधारणा क्षेत्र के अंतर्गत हम देखते साथियों, तो इस पाठ से हमको बच्चे के अंदर कौन सी अवधारणा स्पष्ट करना है, बच्चे को कौन सी अवधारणा बताना है। तो देखिएगा, वस्तुओं का उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, यानी जो हमारे आसपास हमारे परिवेश में जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं का उनके गुणों के आधार पर, अभी कौन कौन से गुण है वो अभी आगे चर्चा करेंगे, उन गुणों के आधार पर हम उनको वर्गीकरण करना सिखाएंगे। नहीं, मतलब ये अवधारणा हम स्पष्ट करेंगे कि बच्चे किसी जो दी गई वस्तुएं हैं उनका वर्गीकरण कर सके। अगली बात यह है कि द्वि या त्रि आयामी वस्तुओं की समझ, देखिएगा, जिसको कि अंग्रेजी में हम 2D 3D कहते हैं, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन जो थिंग्स है यानी वस्तुएं हैं उसको हम हिंदी में द्वि आयामी त्रि आयामी जो वस्तुएं कहते हैं, ठीक है, तो इन वस्तुओं की समझ, ठीक है। और अगला है कि बेलन घनाभ शंकु की समझ, यानी जो आकृतियां हैं, बेलन है, शंकु है, घनाभ है, ये किस प्रकार की आकृतियां होती हैं, इनकी समझ बच्चों के मस्तिष्क में डालना, ये इस पाठ की हमारी अवधारणाएं हो सकती है। साथियों, मैंने केवल उदाहरण स्वरूप लिखा है, आपको अपने तरीके उस पाठ को पढ़ करके समझ करके ही तैयार करना है। पाठ का नाम दूसरे खंड में हमने लिखा है, जैसा कि पाठ एक, क्या है लंबा, क्या है गोल, इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। आगे हम देखेंगे साथियों, बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण बिंदु है पेडागॉजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना। साथियों, पूर्व के कालखंड में मैंने आपको बताया है कि पेडागॉजिकल प्रक्रिया क्या होती है, और हमारे सम्माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा भी विस्तार के साथ बताया गया है कि पेडागॉजिकल प्रक्रिया क्या है। साथ ही जो लर्निंग आउटकम्स जो टीचर हैंडबुक है उस हैंडबुक में भी पेडागॉजिकल प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है, उसको आप अध्ययन करें और समझें।
तो देखिएगा पेडागॉजिकल प्रक्रिया में मतलब को मिला के इस पाठ की हम शुरुआत कैसे करेंगे, किस प्रकार से हम पाठ में जो दी गई अवधारणा है उनको स्पष्ट करेंगे, उसके बारे में यहाँ जानकारी देना है। तो मैंने लिखा है कि बच्चों से अपने घर, विद्यालय या आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं पर चर्चा करना, उनके आकार पर चर्चा करना। देखिएगा हमारे विद्यालय में, बच्चों के घरों में या आसपास जो जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, उन वस्तुओं के आकार पर हम बच्चों से चर्चा करेंगे, ठीक है। खासकर उन वस्तुओं पर चर्चा करते हुए उनके आकार पर चर्चा करना, है ना, रंग के आधार पर चर्चा करना, ये भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। आगे है, बच्चों से वस्तुओं का रंग आकार आदि के आधार पर वर्गीकरण करवाना, यानी बच्चों से हम क्या करेंगे, उन वस्तुओं के रंग के आधार पर, उनके आकार यानी आकृति के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करवाएंगे, ठीक है। बच्चे बड़े आसानी से वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। और फिर है बच्चों के क्रियाकलाप। अब साथी इसके अंतर्गत देखिएगा, वस्तुओं को गतिशील करने के आधार पर वर्गीकरण कराना, जैसे लुढ़कना, फिसलना। साथियों बहुत सारी जो वस्तुएं हैं, जब ये गतिशील होती हैं तो गतिशील अलग अलग तरीके, कुछ वस्तुएं अगर गोल होती तो सीधे लुढ़क करके गतिशील हो जाती हैं, ठीक है। कुछ वस्तुएं गोल नहीं होती हैं तो उनको सरकाना पड़ता है ना, फिसलती हैं। तो इस आधार पर वस्तुओं का हम बच्चों से वर्गीकरण करवा सकते हैं। तो ये साथियों पेडागॉजी की प्रक्रिया और गतिविधियां हो गई। आगे है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री, TLM। इस पाठ को समझाने के लिए, बताने के लिए कुछ TLM सहायक शिक्षण सामग्री की हमको आवश्यकता होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा है कि माचिस की डिब्बी, गिलास, डिब्बा, पाइप, टोपी, बेलन, मेहंदी कोन, गेंद, कंचे, कार्टून डिब्बा, पहिए, चूड़िया, ये सब चीज जो है ये इस पाठ की जो अवधारणा है उनको स्पष्ट करने के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही जो पाठ दिया गया है, पाठ को अच्छी तरह से पढ़ लें और हमको शुरुआत कहाँ से करनी है, किस प्रकार करनी है, वो तो हमने यहाँ लिख लिया है। उस आधार पर हमको शुरुआत करना है और पाठ में जो जो बातें दी गई हैं उसके अनुसार हमको चरण दर चरण चलना है, जिससे कि बच्चे बेहतर तरीके से और खेल खेल में और गतिविधियों के माध्यम से सीख सके। आगे हम चलते हैं यहाँ पर अनुमानित या निर्धारित जो कालखंड है वो। साथियों इस पाठ को यानी क्या है लंबा, क्या है गोल, ठीक है, इस पाठ को हम कितने कालखंडों में पूरा कर सकते हैं वो आप अपने अनुसार तय कर सकते हैं। मैंने उदाहरण स्वरूप यहाँ पर 8 कालखंड लिख दिया है, यानी हम 8 कालखंड में इस पाठ को समाप्त कर सकते हैं इन सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए। आगे चले साथियों को लर्निंग इंडिकेटर आता है, और लर्निंग इंडिकेटर का मतलब है सीखने के संकेतक। हमने जो कुछ भी बच्चे को पढ़ाया है, समझाया है, तो बच्चे सीखे या नहीं सीखे इस बात के संकेत हमको कैसे मिलेंगे। देखिएगा मैंने यहाँ पर लिखा है कि अपने घर या परिवेश की वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, यानी बच्चे जो है आपस में वार्तालाप करते हुए देखे जा सकते हैं, यानी वो वर्गीकृत कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु गोल है, कौन सी लंबी है, ठीक है, कौन सी मोटी है, कौन सी पतली है, इस प्रकार से बच्चे चर्चा कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी वस्तु को देखकर बता पाते हैं कि ये लुढ़केगी या फिसलेगी, ठीक है। यदि बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं खेल खेल में, या वो बता रहे हैं कि भाई ये वस्तु लुढ़केगी या ये वस्तु फिसलेगी, तो इससे हमको पता चलता है कि हम जो कुछ पढ़ाया है बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। आगे चले साथियों, तो मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। साथियों हमने जो कुछ भी पढ़ाया है, ये जो प्रक्रिया है इनका पालन करते हुए, तो उसका हमको क्या करना है, मूल्यांकन करना है, अर्थात जांच करना है कि हमने जितना कुछ पढ़ाया बच्चे ने कितना सीखा है। और यदि हम जांच करते हैं उसमें पाते हैं कि हमारे इतने बच्चे पिछड़ रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, तो हम उसके लिए अतिरिक्त प्रयास भी कर सकते हैं। तो देखिएगा मूल्यांकन हेतु गतिविधियां और प्रश्न में मैंने लिखा है कि कई तरह की वस्तुओं को एक साथ रखकर गोल, चपटी, लंबी, घनाभाकार, है ना, छांटने को देना, यानी हम बच्चे को बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा रख देंगे और उन वस्तुओं में से हम बच्चे को छांटने को कहेंगे, भाई गोल वस्तुएं छांटिए, है ना, गोल कौन सी वस्तुएं हैं उनको छांटिए, कौन सी वस्तुएं घनाभाकार हैं, घनाभ की आकृति की है उनको छांटिए, कौन सी वस्तुएं लंबी हैं उनको छांटिए। तो ये अलग अलग आधार पर हम बच्चों को वस्तुओं को छटपा सकते हैं, यदि बच्चे वर्गीकृत कर सकते हैं, छांट सकते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे बच्चे जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं वो सीख रहे हैं। अगला है साथियों, तो माचिस या डिब्बा घनाभ है तो क्यों है, इसका कारण जानना। देखिएगा हम कोई माचिस को या डिब्बे को बच्चे के सामने रख करके पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या है, घनाभ है, यदि घनाभ है मान लो तो क्यों है।
ऐसा हम पूछे पूछे तो बच्चा बताएगा कि भाई इसलिए घनाब है क्योंकि इसमें जो फलक है ना, आमने सामने के फलक बराबर हैं, ठीक है, इसलिए ये घनाभाकार है। और इसमें सभी फलक एक समान नहीं है, आमने सामने के फलक जो है वो एक समान है, इसलिए घनाभाकार है। ऐसे इस प्रकार बच्चे बताएंगे हमको, ठीक है, या बच्चे अपनी भाषा में अपने तरीके से समझाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम जिस प्रकार से बता रहे हैं उसी प्रकार बच्चे बताए। बच्चे यदि अपनी भाषा में किसी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा बच्चा हमारी पढ़ाई हुई बात को समझ रहा है, ठीक है। तो साथियों इस तरह के और भी आप प्रश्न बना करके बच्चे की जांच कर सकते हैं। जितने बच्चे हमारे हमारे विद्यालय में हमारी कक्षा में है, हम उनकी जांच कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आओ करके सीखे घर में या खेल खेल में। साथियों प्रत्येक पाठ के लिए आवश्यक होता है कि कुछ ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए, है ना, जिनके माध्यम से विषय वस्तु को वो आसानी से और सहज तरीके से सीख सके। तो इस पाठ के लिए हमने क्या लिखा है कि आपके घर या विद्यालय की वस्तुओं के नाम बताइए जो गोल हैं, जो लंबी हैं, जो चौकोर हैं, जो घनाभाकार हैं। भाई हम बच्चे को पूछ सकते हैं कि भी बताओ आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं गोल दिखाई देती हैं आपको, तो बच्चे बताएंगे, है ना, चौकी है, रोटी है, थाली है, ये गोल की श्रेणी में जाएंगे, है ना, इसमें लंबी कौन सी, बेलन है, स्टिक छड़ी है, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी लंबी वस्तु के बारे में बताएंगे, चौकोर वस्तु के बारे में बताएंगे। तो इस प्रकार ये गतिविधि हम कर सकते हैं प्रत्येक बच्चे के साथ में। इसके अलावा हम बात करें साथियों तो कागज को काटकर बेलन, शंकु आदि बनाना। साथियों हम बच्चे को चौकोर कागज दे देंगे और उस चौकोर कागज से बच्चे को हम बोलेंगे कि बेलन बनाइए, है ना। बेलन मतलब मिला के बच्चा गोल राउंड करके बेलन बनाना सीख जाएगा। हम चाहे तो टेप का प्रयोग कर सकते हैं चिपकाने के लिए। इसके अलावा बच्चे उसको मोड़ करके शंकु बनाना भी सीख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार की हम गतिविधियों का आयोजन करेंगे। और साथियों हम अंत में देखें तो लर्निंग आउटकम्स। अब साथियों जो कुछ भी हमने विद्यार्थी को इस पाठ में पढ़ाया है या जब हम पढ़ा लेंगे इसके पश्चात हमारा विद्यार्थी क्या सीखेगा, ठीक है, तो वही हमारा सीखने का प्रतिफल होगा। यानी जो कुछ हम बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा क्या सीखना चाहिए, क्या सीख लेना चाहिए, वही लर्निंग आउटकम्स है, सीखने का प्रतिफल है, सीखने की संप्राप्ति भी इसको कहते हैं। तो देखिएगा जब हम इस पाठ को पढ़ा लेंगे क्या है लंबा क्या है गोल, तो हमारा बच्चा सीखेगा वस्तुओं का वर्गीकरण उनके गुणों के आधार पर कर पाना। देखिएगा जो हमारे आसपास वस्तुएं हैं उनको उनके गुणों के आधार पर, उनके आकार रंग के आधार पर वो आसानी से वर्गीकरण करना सीख पाएंगे। जैसे आकार के आधार पर कह रहे हमें गोल वस्तुएं, है ना, लंबी वस्तुएं, चौकोर, घनाभाकार, इस प्रकार की वस्तु में, ठीक है। इसके अलावा बच्चे शंकु को पहचान पाएंगे, ठीक है, घनाभ को समझ पाएंगे, ठीक। तो ये जो उनका वर्गीकरण करना सीख पाएंगे बच्चे। अगला यह है कि द्विआयामी एवं थ्री आयामी वस्तुओं के बारे में समझ पाना। यानी जो वस्तुएं द्विआयामी यानी 2D हैं, त्रिआयामी यानी 3D हैं, 3 डायमेंशन जो, तो ऐसी वस्तुओं की समझ भी बच्चों में विकसित होगी। जैसे माचिस की डिब्बी है ना, ये 3 आयामी वस्तु है, एक कागज है मान लो, तो द्विआयामी है, तो इन वस्तुओं के बारे में बच्चे अपनी समझ को बना पाएंगे इस पाठ को पढ़ लेने के पश्चात। साथियों निश्चित तौर से आप द्विआयामी और 3 आयामी वस्तुओं के बारे में जानते ही होंगे, ठीक। इसके आगे साथियों वस्तुओं को गति देने पर वे कैसे गति करेंगी ये भी समझते हैं। यानी जब कोई वस्तु है उसको हम गति देंगे यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएंगे तो वस्तु किस प्रकार जाएगी, लुढ़क कर जाएगी या फिसल कर जाएगी, इस बात को भी बच्चे समझ पाएंगे। तो साथियों यहाँ पर केवल मैंने उदाहरण के रूप में सारी जानकारी आपको दी है, आपको अपने अनुसार अपने विद्यार्थियों की परिस्थिति, है ना, जिस भाषा का बच्चे प्रयोग करते हैं उस आधार पर आपको अपनी जो शिक्षण योजना उसको तैयार करना है। साथियों यहाँ पर मैंने आपको समझाने के उद्देश्य से कम कम जानकारी लिखी है, आप अधिक जानकारी का और प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ साथियों आज के इस वीडियो में, इस कालखंड में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है यह आपको काफी उपयोगी लगी होगी। अगले कालखंड में पुनः मैं किसी नई जानकारी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूंगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।